आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। अभी कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई है, देश की अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई है और हिंदुस्तान में जो इस वक्त जारी घमासान है, जो तशद्दुद का दौर है, जो मारकाट मची हुई है, उन सब का ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ठहराया है। जो नुकात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा, देश की सुरक्षा को खतरे में डाला, माफ़ी भी शर्त के साथ मांगी, टीवी पर जाकर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस ने FIR पर क्या किया, शायद आपके लिए रेड कारपेट बिछाया, खुद को वकील कहती हैं फिर भी ऐसा बयान। पार्टी प्रवक्ता होने का मतलब कुछ भी कहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। देश में जो हो रहा है उसके लिए आप अकेली जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा बयान है जो नुपुर शर्मा के खिलाफ आया है। जब से नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ शो में जिस तरह से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाजेबा कलमात कहे थे, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़िलाफ़ ये नाजेबा कलमात कहे थे, उसके बाद से ही न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में गम व गुस्से की लहर थी और बेचैनी पाई जा रही थी। हमने देखा कि उसके बाद मुल्क के कई इलाकों में ज़ोरों शोर के साथ एहतजाज किया गया, धरना प्रदर्शन हुआ, दंगे हुए, कई जवान गोलियों का शिकार होकर शहीद भी हो गए, सैकड़ों जवान अभी भी सलाखों के पीछे हैं। और अभी पिछले दिनों एक अजीबोगरीब घटना उदयपुर में हुई, जहां दो जुनूनी नौजवानों ने, एक टेलर जिसका नाम कन्हैया लाल बताया जाता है, उसने नुपुर शर्मा की हिमायत का कुछ टैग लगाया था और कुछ उसने इस तरह के पोस्ट वगैरह भी की थी फेसबुक पर, जिससे नाराज़ होकर दो जुनूनी नौजवानों ने उसकी दुकान पर जाकर उसकी गर्दन को काट कर अलग कर दिया, सोशल मीडिया पर इसको बाकायदा अपलोड किया। ये इंतहाई निंदनीय घटना थी, सभी लोगों ने एक सुर में, बिलखसूस तमाम पूरी मुस्लिम कौम ने और मुस्लिम उलमा इकराम, दानिशवरान, जितने सियासी लीडर हैं, सब के सब ने इस वाक़े की बहुत ही सख्ती से मजम्मत की और कहा कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो मुलजमीन हैं उनके घर वालों ने भी ये कहा कि उन्हें फांसी दे दी जाए, उनके खिलाफ़ जो धारा बनती है वो लगाई जाए, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हिंदू तंजीमें हैं वो मुल्क का माहौल ख़राब करने पर तुली हुई हैं, वो अब धरना प्रदर्शन जारी है, जुलूस निकल रहे हैं और अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। वो नारा भी सुनने में आया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं और तमाम भगवाइयों को भी याद दिला देना चाहते हैं कि अब से 5 साल पहले इसी राजस्थान में एक और कत्ल की वारदात सामने आई थी, जब शंभू लाल ने एक मजदूर जिसकी उम्र 52-53 साल थी, नजरुल को ले जाकर कुल्हाड़ियों से मारा था, लाइव टेलीकास्ट किया था, कुल्हाड़ियों से मार मार कर जब वो बेचारा चिल्लाता रहा, चीखता रहा, उस पर कुल्हाड़ियों का वार करता रहा और जब वो जख्मी होकर गिर पड़ा तो उस पर जिंदा ही था, उसे पेट्रोल डालकर उसने आग लगा दी थी और पूरे घटनाक्रम को उसने लाइव किया था और उससे ललकारा भी था कि जो लव जिहाद करने वाले मुल्ले हैं, कठमुल्ले हैं, वो होशियार हो जाए। इन दोनों घटनाओं में कुछ ज़्यादा अंतर या फर्क नहीं है। अगर फांसी की सज़ा इन दोनों को होनी चाहिए कि जो कि बिल्कुल होनी चाहिए, हम उसकी हिमायत करते हैं, तो फांसी की सज़ा शंभू को भी होनी चाहिए और उस तरह के तमाम तत्वों को होनी चाहिए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगाड़ने में जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। नुपुर शर्मा पर अगर वक्त रहते कार्रवाई कर दी जाती, हमारी सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई करती, उस पर शिकंदा कस देती, तो आज मुल्क का ये माहौल ना होता, ना ही अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर या इंटरनेशनल लेवल पर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती, हमें झुकना पड़ता, ना ही देश का ये माहौल ख़राब होता। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि दिल्ली पुलिस ने उसकी FIR पर क्या किया, शायद रेड कारपेट बिछाया, तो क्या अभी भी रेड कारपेट बिछा रहेगा या नुपुर शर्मा और जिंदल जैसे लोग सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि उनकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, देश की फ़जा जो है ख़राब है, हिंदुस्तान के तमाम अमन पसंद और शहरी ये देखना चाहते हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स।